हाय दोस्तों, मैं अभिषेक। और आफ्टर ऑल मेरी यूट्यूब अर्निंग आने के बाद मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी। तो उनमें से सबसे पहला आइटम था DJI ऑस्मो 3 मोबाइल गिम्बल। उसकी मैंने वीडियो अनबॉक्सिंग कर दी है पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो आपको आई पॉइंट पर शो हो रही होगी। और जो दूसरा आइटम था वो है एक माइक्रोफोन, ये है बोया कंपनी का। एक मिनट, सी आपको दिख रहा होगा, ये है माइक्रोफोन जो मैंने अभी यूज़ आई मीन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम। आपको आवाज़ मेरी नॉइज़ कैंसिलेशन सब पता चल रही होगी, ठीक है, विद माइक्रोफोन और विदाउट माइक्रोफोन। मैं अभी आपको बोल के दिखाऊंगा, आपको सब पता चलने वाला है इस वीडियो में। सो इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ माइक्रोफोन के। सबसे पहले ये माइक्रोफोन किस किस के साथ कंपेटेबल है मैं आपको बता देता हूँ। फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर और कैमरा। और भी चीज़ें हैं जो मुझे तो यही पता है जिनके साथ कंपेटेबल है। और एक चीज़ और बता दूँ, जो थोड़े फ़ोन अपग्रेडेड हैं उनके साथ कंपेटेबल है, जो थोड़े लोअर हैं उनके साथ नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं अभी iPhone 8 यूज़ कर रहा हूँ, उसमें आराम से चल रहा है। और मुझे इस बॉक्स के साथ क्या क्या चीज़ें मिली है मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा बॉक्स। बॉक्स में ओपन करते ही सबसे पहले मिलता है कैरी बैग, जिसमें हम अपना माइक्रोफोन कैरी कर सकते हैं। और एक छोटे से बॉक्स में एक केबल मिलती है, जो आप 3.5 mm जैक इसमें लगा के बड़े बड़े स्पीकर्स में लगा सकते हैं। एक सिलिका जेल और एक छोटा सा सेल, इसका ये वॉच सेल है जो हम वॉच में लगाते हैं, हैंड वॉच में। ये रहा माइक्रोफोन, आपको दिख रहा होगा इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है। इसकी लेंथ है 6 मीटर, 6 मीटर बहुत होती है। ये रहा 3.5 mm का जैक। इसके बाद ये वायर जो अभी मैंने बांधी हुई है। इसके बाद आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा, इसके बारे में आप ही बताता हूँ। और एंड में ये रहा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के अंदर ये मुझे क्लिप भी मिली है और ऊपर का ये बड भी मिला है, ये मैंने फिट कर दिया है। और इसका क्या यूज़ है मैं बता देता हूँ। अगर आप फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको इसको ऑफ़ रखना है, जैसे अभी ऑफ़ है, और लगाइए इसको जैक में और आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें सेल लगा के इसको ऊपर ऑन कर लीजिए, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको कैमरे में लगा के ऑफ़ करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा। जब आप इसको स्मार्टफोन में यूज़ करेंगे आपको कोई सेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। इसको मैं विदाउट सेल यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ जहाँ पे सेल लगाते हैं, ये रहा, और सेल ये रहा। ये एक वॉच सेल है जो अगर आप कैमरे में लगा के यूज़ करेंगे तो मैक्स टू मैक्स 1 साल आपका आराम से चल जाएगा। पर मुझे यूज़ नहीं है क्योंकि मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये रहा माइक्रोफोन का, इसके बारे में आपको सब बता दिया है। जो इसकी नॉइस कैंसिलेशन है बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब जो नेक्स्ट क्लिप आपको दिखेगी वो होगी विद माइक, और जो उसकी नेक्स्ट दिखेगी वो होगी विदाउट माइक। तो अब मैंने माइक लगा लिया है, अब आपको पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, क्योंकि अभी रूम में फ़ैन भी चल रहा है और बाहर से आवाज़ भी आ रही है। आपको पता चल रहा होगा कितनी नॉइज़ कैंसिलेशन है इसकी अच्छी। सो अब जो नेक्स्ट ऑडियो होगी वो होगी विदाउट माइक। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेरी पहली वाली ऑडियो अच्छी थी या ये वाली ऑडियो अच्छी थी, क्योंकि इसमें पंखे की आवाज़ भी आ रही है, वॉच की आवाज़ भी आ रही है, बाहर से थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन कुछ भी नहीं है मेरे आईफोन में। अब जैसी आवाज़ आ रही है आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि मुझे तो जब पता चलेगा जब मैं एडिट करूँगा वीडियो। ये माइक मैंने अमेज़ॉन से 830 रुपीज़ का ख़रीदा है। आपको अमेज़ॉन पे 830 और फ्लिपकार्ट पे 840 या 50 के अप्रॉक्स मिल जाएगा। और जो माइक अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है बोया का। और जो इससे पहले जो माइक मैं यूज़ कर रहा था वो है ये माइक है 100 रुपीज़ का। इसका आप केबल देख लो, केबल ज़्यादा बड़ी नहीं है, और उसका जैक देखो कैसे काला हो रहा है। इसकी आवाज़ भी इतनी गंदी है यार, पीछे से नॉइज़ भी बहुत आती है, चुर 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 आती रहती है। ये माइक और इस माइक में कुछ भी डिफरेंस नहीं लग रहा ना ऐसे, पर ऑडियो में बहुत फ़र्क है। ये बोया का है और ये नॉर्मल 100 रुपये वाला माइक है जो कि मैंने 60 रुपये में ख़रीदा था। तो आपको ये माइक कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने इसका प्राइस, इसके स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या क्या चीज़ है, किसके साथ कंपेटेबल है, सब कुछ बता दिया है आपको। इसकी आवाज़ भी मैंने सुना दी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो बताइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे शो हो रही होगी, आप मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैसेज कीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।